सर लाइट चला करता। मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मी भाई और कुछ बहनें भी हैं यहाँ पे, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले, इससे पहले कि इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करें, मैं अपने जो हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के जो हमारे सदस्य हैं, आपको उनसे मैं उनका परिचय कराऊंगा। मेरे बाईं ओर ये श्री पवन केसर जी हैं दिल्ली बिल्डिंग मटेरियल से, और नेक्स्ट टू हिम जो मिस्टर अब्दुल रहमान गनाई जो हैं, जो कश्मीर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। मेरे दाईं ओर सरदार महेंद्र कोहली जी हैं, और ये राजेश जैन साहब जो हैं जैन मार्बल से, ये भी हमारे एक्टिव सदस्य हैं इस एसोसिएशन के। जेकेपीसीसी का मैं आपको पहले फुल फॉर्म बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी की नींव रखी गई थी 1965 में, और सरकार ने इसके जो जेकेपीसीसी में जो काम करने के जो तरीके रखे थे, उसमें इस तरीके से इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि जितने भी वहाँ पे बीस वर्कर्स बोल लीजिए या स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको एक बिल्डिंग में किसी प्रोजेक्ट में एंगेज करके और वो बिल्डिंग का जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है उस बिल्डिंग को बनाया जाता था। 1965 से लगा लीजिए लगभग कोई 57 साल हो गए हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स जेकेपीसी से हैं, इन्होंने वहाँ पे जो जो अपनी अपनी स्पेशलाइज लाइन में, चाहे वो कश्मीर है, जम्मू है, लेह लद्दाख में अपने काम किए, और जेकेपीसीसी के जितने भी प्रोजेक्ट्स आज तक बने हैं उनकी क्वालिटी, एक्सीलेंट क्वालिटी जो है आज भी बोलती है इट हैज स्टूड टेस्ट ऑफ टाइम। अभी आपने पिछले दिनों में देखा होगा, बड़ी सुर्खियों में खबर रही है कि जेकेपीसीसी को सरकार जो है वाइंड अप कर रही है। हम आपके माध्यम से ये बात फिर से दोहराना चाहते हैं कि आप अगर इसको वाइंड अप कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं, इस कॉर्पोरेशन को, क्या आपने जो हमारे मुद्दे हैं इनको नज़रअंदाज तो नहीं किया है? सबसे अहम मुद्दा जो है हमारा वो ओल्ड लाइबिलिटी का है। जिन जिन ठेकेदारों ने आज से 10-12 साल पहले आज तक जो काम किए, नॉमिनेशन वर्क यानी कि डिपार्टमेंटल वर्क, आपको मैं ये भी बात बता दूं कि पहले हमारे अर्शवाइल स्टेट गवर्नमेंट में, आज से 3-4 साल पहले अगर पीछे चले जाएं हम, तो जो काम होता था वो डिपार्टमेंटल जो कमेटी थे उनके जो अप्रूव रेट थे, रेट एनालिसिस पे काम किया जाता था सभी डिपार्टमेंट्स में, सिर्फ जेकेपीसीसी नहीं है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जितने भी अदर एजेंसीज थी, चाहे वो जे एंड के पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन थी, चाहे जे एंड के हाउसिंग बोर्ड था, चाहे वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट था, चाहे फ्लोरिकल्चर था, जेएमसी था, यूडी डिपार्टमेंट था, जितने भी तमाम जम्मू कश्मीर में जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स थे, वहाँ पे पहले इसी तरीके से काम किया जाता था। यानी कि जो अप्रूव्ड रेट होते थे अपनी डिपार्टमेंटल परचेज कमेटी के, जो उन्होंने अप्रूव्ड रेट किए होते थे, उन्हीं के रेट्स के आधार पे जो है कॉन्ट्रैक्टर्स को उस बिल्डिंग में एंगेज करते थे और वो बिल्डिंग में काम किया जाता था। अभी 3-4 साल पहले से इन्होंने ई टेंडरिंग जो है कंपलसरी कर दी सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। हम उस ई टेंडरिंग को वेलकम करते हैं। उस ई टेंडरिंग के इंट्रोड्यूस करने से एक तो ट्रांसपेरेंसी आई काम में, और हम भी डिग्निफाइड वे में काम करना हमने शुरू किया। इस विषय में जो सबसे बड़ा कदम उठाया, हमारे जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, उन्होंने जब वो फाइनेंशियल कमिश्नर थे फाइनेंस डिपार्टमेंट के,
उन्होंने एक बहुत अच्छा एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उस सिस्टम के तहत यानी कि उन्होंने एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दी, एक स्ट्रिक्चर्स पास किए कि जितने भी तमाम काम जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं वो तब तक नहीं किए जाएंगे जब तक कि उनकी टेक्निकल सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं किया जाता। बहुत अच्छी बात की उन्होंने, हम उनके आभारी हैं। और जब से उन्होंने ये एक सिस्टम, एक नया रिजीम स्टार्ट किया, उससे है कि हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी हैं हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसमें एक सुधार आया और एक ट्रांसपेरेंसी आई। अब जो है पीछे क्या हुआ, हाल ही में 23 जनवरी को सोमवार के दिन हमने उनसे, चीफ सेक्रेटरी साहब से, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब से हमने एक मुलाकात की। मेरे साथ उस ऑडियंस में मेरे दोस्त एसोसिएशन के जो कश्मीर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब्दुल गनाई, अब्दुल रहमान गनाई साहब थे और महेंद्र कोहली जी थे। हमने उनसे टाइम लिया और अपना पक्ष रखा। हमारे तीन मुद्दे हैं जो कि हमने उनसे डिस्कस किए विस्तार पूर्वक, और ही गेव अस द पेशेंट हियरिंग, और वो हमने उनसे डिस्कस किए, जिसमें कि अहम मुद्दा था, मैं फिर से दोहराऊंगा, हमारी पेमेंट लायबिलिटी का, जो कि ठेकेदारों ने आज से 10-12 साल पहले के काम किए हैं JKPCC, वो पेमेंट लायबिलिटी जो है आज तक क्लियर नहीं की गई। आपको मैं याद दिला दूं, 21 फरवरी 2021 इसी स्थान पे, इसी प्रेस क्लब में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें कि हमने ये अपने पेमेंट्स के मुद्दे और बाकी मुद्दे जो है हमने उजागर किए थे। इस सिलसिले में हम 2 पहले माननीय एडवाइज़र RR भटनागर साहब से मिले, आदरणीय श्री शैलेंद्र कुमार जी से मिले जो कि वर्क्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो हमने पक्ष रखा कि साहब हमारी ये पेमेंट है, ज़रा इसको जल्दी से आप क्लियर कीजिए। आज 2 की पेशेंस के बाद हमने आज ये फिर से आयोजित किया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताकि हम ये अपने जो मुद्दे हैं फिर से आपके माध्यम के जरिए हम सरकार तक पहुंचाएं। पहला मुद्दा तो पेमेंट का, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, कोई 65 करोड़ की लायबिलिटी है जो सरकार ने देनी है हमें, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स भाई ने जिन्होंने काम किए हैं। और एक बात मैं ये भी दोहराना चाहूँगा, JKPCC के कॉन्ट्रैक्टर्स ने, चाहे कश्मीर में ले लो, गुरेज में, नोबरा में, उड़ी के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे शेलिंग के दौरान भी काम किया है, और वो पेमेंट्स भी उनकी आज तक यहाँ पे फंसी हुई है। दूसरे मैं जो एक बहुत अहम बात है मैं ये बताना चाहूँगा कि JKPCC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 7 जुलाई 2022 को एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ये मुद्दे उजागर किए गए, और मीटिंग में ये फैसला हुआ कि हम ये लायबिलिटी जो ठेकेदारों की है ये हम क्लियर करना चाहते हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग में है, वो रिकॉर्डेड है, और उसमें जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये बताया गया MD JKPCC को ये आदेश दिए गए कि जिन जिन ठेकेदारों ने जो जो काम किए हैं, मैं वो जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो मैं वैसे ही पढ़ के बताऊंगा जैसे उसमें लिखी गई है। ऑल द वर्क्स एग्जीक्यूटेड बाय द पीस मील वर्कर्स और स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स इन JKPCC एज पर
एज पर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ JKPCC इन कंसोनेंस विद रूल नंबर 1 ऑफ GFR 2070, GFR यानी कि जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 के तहत ये उनको आदेश दिए गए कि जो जो काम हुए हैं इन रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार और अगर फंड्स अवेलेबल हैं तो JKPCC के MD ऑथराइज हैं कि वो उनकी पेमेंट क्लियर कर दें, लेकिन उससे पहले JKPCC के MD को फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंकरेंस लेनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट ये है, अगेन ऑल द वर्क्स एग्जीक्यूटेड बाय द JKPCC कॉन्ट्रैक्टर्स इन कंसर्न विद एज पर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन इन कंसोनेंस विद रूल नंबर 1 ऑफ 2017 इफ फंड्स आर नॉट अवेलेबल JKPCC वुड टेक अप द मैटर विद द कंसर्न प्रोजेक्ट अथॉरिटीज। यानी कि JKPCC के MD को ये ऑथराइजेशन दी गई कि जो जो काम कॉन्ट्रैक्टर्स ने किए हैं और जिनके फंड्स अवेलेबल नहीं हैं वो मैटर जो है उन कंसर्न्ड प्रोजेक्ट अथॉरिटी से डिस्कस किए जाएंगे। प्रोजेक्ट अथॉरिटी यानी कि JKPCC ने जिन जिन सरकारी एजेंसियों के काम किए थे, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये जितने भी तमाम इदारे हैं जिनके काम JKPCC ने किए हैं, उस सूरत हाल में JKPCC उनसे अपने जो रिमेनिंग बैलेंस फंड्स है वो उनसे मुहैया कराएगी और कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट क्लियर करेगी। और तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट उसमें ये लिखा गया मिनट सबमिटिंग में कि जो द कॉन्ट्रैक्टर्स हु हैव एग्जीक्यूटेड द वर्क अगेन एज पर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ JKPCC प्रायर टू ईयर 2016 एंड फंड्स आर नॉट अवेलेबल एंड सेम विल बी टेकन अप विद द कंसर्न अथॉरिटी फॉर द अर्ली रिडर्सल। अब हम इसमें जो हमारा जो पेमेंट का इशू मैं ऑलरेडी अभी आपको बता चुका हूँ, उसके अलावा हमारे दो मुद्दे और हैं। एक तो जो ठेकेदारों ने JKPCC के ठेकेदारों ने जब से इस JKPCC की नींव रखी गई आज से 57 साल पहले, जैसे कि आज के दिन अगर हम देख लें जिन जिन ठेकेदारों ने काम किए हैं, चाहे वो 10 साल से कर रहे हैं, 15 साल से, 20 साल से या 30 साल से जो ठेकेदार यहाँ काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी का कीमती समय उन्होंने दे दिया। आज JKPCC वाइंड अप की कगार पे है या इसे PWD में मर्ज कर रहे हैं ये सरकार बेहतर जानती है। क्या आपने उन ठेकेदारों के बारे में, उनकी रिहैबिलिटेशन के बारे में या उन सप्लायर्स जिन्होंने अपना पूरा कीमती समय डिवोट किया, यहाँ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट्स में उनका योगदान रहा, क्या आपने उनकी रिहैबिलिटेशन के बारे में कुछ सोचा है? ये बात मैंने आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब की लाइमलाइट में लाई ड्यूरिंग माई मीटिंग विद हिम। मैंने उनसे ये विनम्र विनती की कि जिन जिन ठेकेदारों ने यहाँ काम किया है, क्योंकि ऐसा है, मैं दोबारा से आपको बता दूँ, JKPCC में PWD का कार्ड मैंडेटरी नहीं हुआ करता था। गवर्नमेंट का जो अप्रूव कार्ड होता है ना वो मैंडेटरी नहीं था, वो अपने अनपैलेंट कॉन्ट्रैक्टर से काम कराते थे छोटे छोटे ठेकेदारों से। और ऐसा था उसमें काम करने का JKPCC में तरीका ऐसा था, अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप ले लो, कोई भी एक बिल्डिंग ले लो, उसमें क्या है, वो मान लीजिए मसलन तौर पे कोई 30 करोड़ की बिल्डिंग है, 40 की है या 50 करोड़ की एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, JKPCC उसमें डजन्स ऑफ ठेकेदार सप्लायर्स को एंगेज करती थी इन ऑर्डर टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट।
वेयर एज उस समय क्या था कि जेकेपीसीसी में कार्ड मैंडेटरी नहीं था और ठेकेदार जो है अपने उस तरीके से करते रहे जो वहां पे जो उनका एम्पैनलमेंट की जाती थी हर साल और वो काम करते थे। हम ये जानना चाहते हैं आपके इस प्रेस के माध्यम से कि क्या आपने उन ठेकेदार या सप्लायर्स के भविष्य के बारे में कुछ सोचा है वाइंड अप करने से पहले। मैंने उनसे ये भी विनती की चीफ सेक्रेटरी साहब से कि आप इन्हें सभी जितने ठेकेदार हैं छोटे छोटे हर किस्म के हर वर्ग के ठेकेदार हैं आप इनके कार्ड के लिए आप जो रेस्पेक्टिव चीफ इंजीनियर्स हैं कश्मीर के और जम्मू के पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर्स आप उनका रिकमेंड केस कीजिए फॉर द इश्यूज ऑफ देयर कार्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट परफॉर्मेंस एंड वर्क एक्सपीरियंस विच दे हैव रेंडर्ड ऑल थ्रू देयर लाइफ फॉर द काज एंड बेटरमेंट ऑफ द जेकेपीसीसी। तीसरा और आखिरी मुद्दा हमारा ये है कि जैसे जेकेपीसीसी में इन्होंने अभी पीछे से कंपोजिट टेंडर लॉन्च करने शुरू कर दिए यानी कि जो ई टेंडरिंग भी उसमें जो कंपोजिट टेंडर हैं उन्होंने कंपोजिट टेंडर जो है फ्रेम करने शुरू कर दिए। कंपोजिट टेंडर यानी कि अगर एक बिल्डिंग शुरू होती है नीचे फाउंडेशन से लेके आखिर तक जितने भी उसमें काम हैं कंपोजिट काम हैं ए टू जेड वो एक आदमी करेगा भले ही ई टेंडर के जरिए लेकिन एक आदमी करेगा चाहे वो 10 करोड़ का है 20 करोड़ का है या 100 करोड़ का है काम वो एक ही आदमी करेगा। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब का ध्यान अपने इस मुद्दे की तरफ लाने का प्रयास किया कि साहब जो आप एक टेंडर फ्लोट करके एक आदमी को काम देंगे इतना बड़ा और जो कि जेकेपीसीसी की ओल्ड प्रैक्टिस थी उसमें उसी एक प्रोजेक्ट में 10, 20, 30, 40 छोटे ठेकेदारों को एंगेज किया जाता था और वो प्रोजेक्ट जो है एक टाइमली कंप्लीट होता था और लाइवलीहुड जनरेट होता था बहुत से लोगों का।